भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने खानपुर कस्बे में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजे ने पार्वती नदी के किनारे की स्थिति भी देखी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को खानपुर कस्बे में बाढ़ से बचाव के स्थायी इंतजाम करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद वसुंधरा राजे खानपुर कस्बे के चांदखेड़ी स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में चतुर्मास कर रहे दिगंबर जैन मुनि सुधा सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से वसुंधरा राजे का सम्मान भी किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बाद में वसुंधरा राजे ने काफी देर तक संत सुधा सागर महाराज से अकेले में भी वार्ता की। इसके बाद वसुंधरा राजे ने जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इससे पहले वसुंधरा राजे का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हेलीपैड पर उतरते ही वसुंधरा राजे ने भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया, तो वहीं बाद में उन्होंने उपज मंडी में ही बनाए गए पांडाल में आमजन की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दो साल से ऐसी स्थितियां बनी हैं, जिस स्थिति के अंदर चिंता में हम लोग डूबे हुए, इसे व्यक्ति पूछा ये स्ट्रेस की बात है, कुछ होता रहता है, ये सब चीज स्ट्रेस की वजह से होता है। हम गए झालावाड़ जा नहीं पाए, जल्दी से जल्दी हट जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का नुकसान न हो। अभी दो साल का अनुभव किया है, सबसे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाह रही हूँ जिन लोगों ने इस कोविड के समय में अपनी जान को हथेली पे रखकर जा जाकर दूसरों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज हमारे वैसे तो हम लोगों ने जो बीजी की थी मैंने उसमें दान से ले लेके उनके सबके परिवार से बात करके हम लोगों ने उनको उनको सांत्वना पहुंचाने की कोशिश की थी, परंतु आज आप लोग सब यहाँ हो तो सबसे पहले मैं उनको याद करना चाहूँगा। एक कारण आपको मैंने फिर भी कहूँगा और सबसे ज्यादा कहना है कि सब लोगों को ये कहा कि अपने को एक छोटा छोटा कार्यक्रम करना है जिसमें उनके परिवार के लोगों को बुला अपनी तरफ से दूर होकर उनको सांत्वना पहुँचाने का काम हम लोगों को करना है। बस